के बारे में बताएं, और तीसरी चीज उनको हम कुरान करीम के बारे में बताएं, कुरान करीम सिखाएं। जाने गिरामी बच्चों का जो जहन होता है, मैं कई बार इशारा कर चुका हूँ, कई बार मैंने इशारा किया है कि बच्चों का जहन एक खाली पत्थर की तरह होता है। और मासूम फरमाते हैं, इमाम अली फरमाते हैं कि बच्चे के जहन पर जिस तरीके से आप हो गए वैसे ही उससे उगेगा। ये चीज़ देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ फौरन उसके बाल बैठाते थे, काम होते थे। क्या मतलब है? यानी इसका मतलब यह है कि ताकि बच्चा उम्र भर जो सबसे पहली अजान अकामत सबसे पहली चीज उसको आवाज सुनवाई गई है, उसके जरिए से इंसान सोचे और उस बच्चे की फिक्र में अजान और अकामत जब जाए तो उसका माइंड और उसका जहन अजान वाला बने और अकामत वाला बने। मुस्कुराते हुए मोहब्बत के साथ प्यार से उससे वो एक छोटा सा बिस्कुट ले ले और उसे खा ले। इससे बच्चे के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो, एक उल्फत जागे। दूसरी चीज, बच्चे के सामने जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो बच्चे के सामने हमेशा अगर आपके माँ बाप आपके घर में आपके साथ रहते हैं तो आपका फर्ज है, आप पर वाजिब है कि आप अपने माँ बाप का एहतराम करें। हमारी शादी नई नहीं हुई है, नई नई दुल्हन आई है, तो हमें वाजिब है, जरूरी है कि हम अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें। क्यों? क्योंकि जब वो ये देखेगा कि मेरा बाप अपने माँ बाप का एहतराम कर रहा है तो उसकी तरबियत बचपन से ही होगी और वो उम्र भर ही याद रखेगा कि हाँ, मेरा बाप अपने वालिदैन का एहतराम करता था तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी अपने वालिदैन का एहतराम करूँ। हमें चाहिए कि अपने बच्चों के सामने अपने वालिदैन का एहतराम। चौथी चीज, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को खाना खाने का तरीका बताएं कि किस तरीके से, देखिए इस्लाम ने छोटे छोटे पहलू पर भी रोशनी डाली है। इस्लाम ने ये तक बताया है कि इतने साल तक बच्चे अगर लड़का है तो माँ के पास सोएगा, अगर लड़की है तो बाप के पास सो सकती है, अगर कितनी उम्र पहुँच गई तो दोनों का बिस्तर चेंज कर दो, दोनों का बिस्तर बदल दो। चार साल का लड़का हुआ उसे चाहिए कि बाप के पास सोए। इस्लाम ने छोटे छोटे मुद्दों पर भी नजर डाली है। इस्लाम ने यहाँ तक बता दिया कि इंसान अपने कमर पर किस तरीके से बांधे, इस्लाम की मामूली नजर नहीं है। बच्चों के सामने पांचवी चीज, बच्चों के सामने चाहिए कि हम अपने घर की जो खवातीन है, हमारी बहन है, हमारी भाभी है या हमारी खाला जो भी है, घर में मेहमान है, हम तो चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने घर में आए होगी या घर में रहने वाली खवातीन का एहतराम करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत मौसूर होती है बच्चों पर। और जब बच्चे देखते हैं कि हाँ, हमारे बाबा वाले
एक चीज